Good morning everyone, how are you all? Today we are going to study chapter number 11 of class 8. Kya name hai chapter ka? Force and pressure. Kya name hai? Force and pressure. ठीक है, ये continuously words आप life में बोलते हो, है ना? Regular everyday life में बोल रहे हो कि बड़ी force से उठाया है इस चीज़ को, बड़ी force से इसको मारा है ना, पानी का बहुत pressure है, बोलते हो ना आप, है ना? So today we are going to study these things, these terms in detail, right? बड़ा interesting chapter है, ध्यान से सुनिए. I'm reading, this is your NCERT book, ठीक है? I'm reading along with and explaining. फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, कॉल मी और मैसेज मी. देखिए, इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? ठीक है, कैसे आप बोल सकते हो कि जी ये कार ज़्यादा आगे जा रही है, दूसरी कम आगे जा रही है, ये ज़्यादा फास्ट है, ये कम फास्ट है, कैसे बोलते हो आप? क्या उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? What does the distance moved by an object in unit time indicate? ठीक है, कि इतने टाइम में उसने, कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या मतलब है उसका? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. ठीक है, बॉल आपने फेंकी है, थोड़े टाइम बाद वो रुक गई, क्यों रुकी? समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, सीधी जा रही है, ठीक है, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगी, क्यों मूव होना स्टार्ट होगी? It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. है ना, slow down हो जाए, direction change कर ले. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? बताइए कौन सी चीज़ होगी जिसकी वजह से कोई चीज़ चलती चलती रुक गई है, ये फास्ट मूव होनी स्टार्ट हो गई है, दूसरी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया, क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? आया दिमाग में? चल रहा है दिमाग अब? हाँ जी, माइंड में चीज़ें आ रही है, मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? क्या करते हो फुटबॉल को मूव करना, क्या करते हो आप? किक करते हो, ज़ोर से किक करते हो, फोर्स लगाते हो आप उसको. What do you do to make a moving ball move faster? Slowly चल रही है, उसको fast move करना ना, क्या करते हो? फिर से ज़ोर से kick लगाते हो. How does a goalkeeper stop a ball? Ball चलती चलती goalkeeper कैसे उसको क्या करता है, पकड़ता उसको, है ना, बड़ी फोर्स से पकड़ता है ना. A hockey player changes its direction of moving ball with a flick of a stick. Hockey player जिधर जा रही है ball, ज़ोर से मारता है, उसकी direction change कर देता है, है ना, होता ना से. हाउ डज अ फील्डर स्टॉप्स अ बॉल हिट? फील्डर है ना, फील्डर बॉल को कैसे पकड़ता है? दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, कौन हीरो है, कौन इसके पीछे विलन है, पता चल रहा है? इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन और मोशन इज चेंज्ड. ठीक है, यहाँ तो बॉल को फास्ट मूव कराया जा रहा है, या उसको स्लो डाउन किया जा रहा है, या डायरेक्शन उसकी चेंज की जा रही है, कैसे चेंज हो रही है? वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, है ना, आपने किक किया, किक से क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी से फोर्स अप्लाई की, बॉल को किक किया, पुश किया, थ्रो किया और फ्लिक किया, सबने फोर्स अप्लाई की. वॉट इज़ अ फोर्स? फोर्स है क्या? वॉट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? करती क्या है फोर्स? Right, so these are the answers we are going to get in the chapter. ठीक है, यही सारा कुछ हम करने जा रहे हैं. तो कौन चीज़ responsible है बॉल की मूवमेंट के लिए, डायरेक्शन चेंज के लिए, सारा कुछ कौन है? फोर्स. टुडे द हीरो ऑफ अ टॉपिक इज स्टार ऑफ द टॉपिक, स्टार ऑफ द चैप्टर इज फोर्स. फोर्स को हम क्या बोलते हैं? पुश और पुल. बहुत सुने हैं पुश पुल, है ना, कहीं पे भी आप जा रहे हो, शॉप जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, है ना, दरवाजे पे लिखा होता है पुश पुल, लिखा होता है ना, एंड वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, पुल को हम पुश करते हैं, पुश को हम पुल करते हैं, है ना. सो पुश इज पुल और पुश, फोर्सेस पुश और पुल, है ना. पुश मतलब आगे को धकेलना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. कैसे करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे, है ना.
So actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks, है ना? देखो, पिक करना है किसी चीज़ को, उठाना है किसी चीज़ को, नीचे से उठाना फोर्स तो लगती है ना, नीचे किसी चीज़ को उठा रहे फोर्स लगती है। किसी चीज़ को ओपन करना है ना, बंद है बॉटल उसको ओपन करना है, डोर को शट करना है, मारना है ना, लगाना है, बॉल को किक करना है, हिट करना है, लिफ्ट करना है, कोई चीज़ को उठाना है ना, फ्लिकिंग करनी है, पुश ही पुश करना है, पुल करना, मतलब सारी चीज़ें फोर्स मांगती है, आपकी बॉडी से फोर्स उसको लगेगी, जोर लगेगा, फिर ही वो टास्क होएगा। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आप हिट करोगे, पुश करोगे, इससे क्या होएगा, जो उस चीज़ की स्टेट है, अगर वो रेस्ट पे है तो मूव करना स्टार्ट करेगा, स्लोली मूव कर रहा है तो फास्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? आए दिमाग में इन चीज़ों को क्या बोल सकते हैं हम? फोर्स, क्या बोल सकते हैं फोर्स? देखिए आपके सामने डायग्राम्स है। फर्स्ट, गोल कीपर सेविंग अ गोल। एक गोल कीपर है, बॉल पकड़ी, उस जोर लगा उसका, बड़ा जोर लगा, बड़ी फास्ट बॉल आ रही है, उसने बड़े जोर से बॉल को पकड़ लिया, फोर्स लगी उसकी। हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, है ना, हॉकी प्लेयर बॉल को इधर उधर मूव कर रही है, फ्लिक कर रही है उसको, उसमें भी जोर लगा। अ फील्डर स्टॉप्स अ बॉल, बड़ी जोर से बॉल आ रही है उसको, इतनी जोर से बॉल आ रही है, उस बॉल को रोकने में भी फील्डर के फोर्स लगी होगी, जोर लगा होएगा, ऑब्वियसली यस। सो दीज ऑल एक्टिविटीज नीड फोर्स। किसकी ज़रूरत पड़ रही है इसमें? फोर्स की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है? फोर्स की। चल लेट्स सी इन फ्रंट ऑफ यू एक्टिविटीज़ देयर। क्या एक्टिविटी है? देखिए एक्टिविटी 11.1 है, टेबल 11.1 गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन है। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शंस इन्वॉल्व इन ईच केस एज पुश और पुल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू। क्या दी हो ये देखिए, फर्स्ट क्या दी है टेबल में, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ये पुश है और पुल है। ठीक है, ये आपके सामने टेबल दी है, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये आपने इसको फिल करके आपने मुझे भेजना है कि यो जी जो एक्टिविटी सामने आपको दी हुई है वो पुल की है कि पुश की है। देखो फर्स्ट मार्क किया, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद करके देखोगे। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, है ना, उसको बुक को हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पुल और पुश दोनों में आएगा, तो ये सारी नीचे आपने पढ़नी है और लगाना है किस चीज़ को हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेबल इज़ फॉर यू, यू पीपल आर सपोज टू फिल इट। ठीक है, ये मैंने नहीं फिल करना, ये आपने फिल करके मुझे आपने सेंड करना है कि मैम हमने कर लिया। ठीक है, राइट बच्चा, देखिए एक दो मैं करवाती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ओपनिंग और शटिंग ऑफ डोर, डोर को आप पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पर लिफ्ट थोड़ी कर सकते हो, है ना, पुल पुश तो ना में आ रही है। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, बकेट ऑफ वाटर को निकालना, उसको पुल करना है, ऊपर करते टाइम पुश पुल करना है ना, नीचे भी करते पुश करते, उसको पुश नहीं बोलोगे, लिफ्टिंग है उसमें बेसिकली, ड्राइंग अ बकेट में लिफ्टिंग है ना, तो लिफ्टिंग ऑल्सो जोर लगता है, बकेट पानी कोई बकेट निकालनी हो वेल से, जोर लगता है कि नहीं लगता? सो दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, क्या वो फोर्स है वो। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, किक लगा रहा है, किक में क्या करेगा वो, पुश करेगा, जोर से पुश करेगा ना, है ना, पुश करेगा, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो फोर्स। ठीक है, बाकी आप खुद करिए ये। ओके यस प्लीज़, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ, है ना, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट इज़ टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ को उठाना है पुल या पुश आपको करना पड़ेगा, पुल पुश को क्या बोलते हैं, फोर्स, क्या बोलते हैं, फोर्स।
इन साइंस अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. पुल और पुश को क्या बोला गया है? फोर्स. क्या बोलते हैं उसे? फोर्स. दस दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, बॉल फास्ट मूव कर रही है, रुक गई है, आपने रोका है, द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड फोर्स. फोर्स लग रही है उस पर. व्हेन डज अ फोर्स कम इन टू प्ले? ठीक है, कब आती है फोर्स? देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है आपके सामने. फोर्स आर ड्यू टू द इंट्रैक्शंस. इंट्रैक्शन इज मस्ट. ये थोड़ी आप यहाँ पे बैठे हो, बॉल वहाँ पे है और बॉल फास्ट मूव कर रही है ना. इंट्रैक्शन इज मस्ट. ठीक है, योर फीट मस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल, तभी आप उसको फास्ट मूव करा सकते हो या रोक सकते हो. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. ठीक है, कार के पीछे खड़ा है. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? मूव करेगी कार? सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार. अब वो पुश पुश करना स्टार्ट करेगा. ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, द कार विल बिगिन टू मूव. ऑब्वियसली जब वो खड़ा है, जब इंट्रैक्शन नहीं है, तो कार मूव नहीं कर पा रही. ठीक है, जब उसने कार ख़राब होगी ना, तो ऐसे करते हैं ना, जब समटाइम्स कार नहीं चलती है तो हम किसी को बोलते हैं ना कि प्लीज़ धक्का लगाना पड़ना है, प्रॉब्लम हो गई है ना, तो पास में खड़ा हो तो थोड़ी कार मूव होएगी, उसको फोर्स लगानी पड़ेगी तभी कार मूव होएगी ना. वही चीज़ ये, अगर कार को कोई फोर्स लगाएगा तभी कार मूव करना स्टार्ट करेगी, ऐसी है ना, खड़ा कुछ नहीं आएगा. जब वो कार को पुश करना स्टार्ट करेगा, टच करेगा, इंट्रैक्शन इज मस्ट, तभी कार मूव होएगी. तो इंट्रैक्शन के बिना कोई भी चीज़ मूव नहीं होती है. ठीक है, सो नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मूव इट मूव. ठीक है, पुश करना पड़ेगा तभी वो मूव होगी, अदरवाइज मूव नहीं होएगी. आगे देखिए, देयर आर टू गर्ल्स. ठीक है, देयर आर टू गर्ल्स, टू गर्ल्स फाइटिंग. एक दूसरे को पुश करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी, इंट्रैक्शन होएगी, तभी वो एक दूसरे को आगे पीछे मूव कर सकती हैं, अदरवाइज मूव नहीं कर सकती. ठीक है, दूसरे देखिए. देखिए फिगर 11.3 शोज दैट मे बी फेमिलियर टू यू, है ना. देखिए आप करते हो ना ऐसे गेम्स खेलते हो, गर्ल्स गेम्स खेलती हैं ऐसे, है ना, बच्चे खेलते हो ना आप, ऐसे इंट्रैक्शन होएगी, एक दूसरे का हाथ टच होएगा, तभी वो ऐसे मूव करते हैं एंड दे इन्जॉय. कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस? एक दूसरे को पुल और पुश कर रहे हैं, है ना. जो खड़ा है बंदा, सपोज किसी को धक्का लगे, है ना, जिसको धक्का लगेगा वो पुश होएगा, है ना, पर वो अपनी तरफ से आगे आने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपने आप को पुल करने की कोशिश कर रहा है वो. ठीक है बच्चों, आगे देखिए. देन क्या, हु इज़ पुलिंग हुम? देखो मैन है, मैन इज़ ट्राइंग टू पुल द ऑक्स, है ना, उसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, पर जो ऑक्स है या बुल है वो अपनी तरफ अपने आप को पीछे को धकेल रही है, पीछे जा रही है, वो अपने आप को पुश कर रही है बैक साइड पे. मतलब पुलिंग एंड पुशिंग इज एक्चुअली द फोर्स हैपनिंग ओवर हेयर. सो द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, इसको बोलते हैं पंजाबी में, बोलते हैं किकली डाल रहे हैं वो, है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है एंड दे आर इन्जॉइंग, इधर उधर मूव करी जा रहे हैं वो. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंट्रैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले. ठीक है, कि दो चीज़ों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, तभी फोर्स अप्लाई होएगी, अदरवाइज फोर्स अप्लाई नहीं होएगी. Thus, an interaction of one object with another object results in the force between two objects. ठीक है, एक इंट्रैक्ट होएंगे तभी फोर्स लगेगी, है ना, तभी
फोर्स अप्लाई होएगी, पुश और पुल होएगा, अदरवाइज फोर्स अप्लाई नहीं होएगी, पुलिंग और पुशिंग पॉसिबल नहीं है उसमें। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको वो टेबल दिया मैंने, वो टेबल आप पुल पुश क्या एक्टिविटी में पुल होएगा पुश होएगा वो फिल करके नोटबुक्स पे नोट करना आपने। ठीक है बच्चा, चलो टेक केयर, बाय बाय।